हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतिमन। हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक। क्लास सेवन्थ हमारी स्टार्ट हो चुकी थी। फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया था हिस्ट्री में। अब हम करेंगे नेक्स्ट सेकंड चैप्टर, नए राजा और उनके राज्य। तो यहाँ पर हम देखेंगे सातवीं से बारहवीं शताब्दी तक जो है किन शासकों का जो है शासन रहा, जिन जगहों पर, उन जगहों को हम देखेंगे और उन राजवंशों के नाम हम देखेंगे। सातवीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र एक है, उसमें उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सातवीं से बारहवीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो है सातवीं से लेकर बारहवीं शताब्दी तक के प्रमुख राज्य और यहाँ पर किन राजवंशों ने शासन किया उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैप में जो है, पहले भी हमने थोड़ा बहुत जो है वो जान लिया था। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो चेर जो है वह पश्चिमी दक्षिण में, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। यहाँ पर देखिए चोल थे, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो पांडे, पांडे देखते हैं बिल्कुल दक्षिण भारत में, पांडे राजवंश था। थोड़ा बहुत जो है वो आपको बिल्कुल ध्यान में आ गया होगा, पहले भी आप लोगों ने ये चीज देखी थी। और उसके बाद पूर्वी चालुक्य जो थे, उन्होंने यहाँ पर आंध्र प्रदेश के पास में जो है अपना राज्य स्थापित किया। वहीं पर हम देखते हैं कि राष्ट्रकूट, जो कि दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश माना जाता है, और इन्होंने जो है मान्यखेत जो है इसको अपनी राजधानी भी बनाया था, गोदावरी के दक्षिण में है, ठीक है, राष्ट्रकूट, ये ध्यान में रखना है। वहीं पर हम देखें कि नर्मदा नदी के ऊपर जो है वो परमार शासक रहे, गुर्जर प्रतिहार शासक देख सकते हो आप यहाँ पर, जहां मध्य भारत है, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश वर्तमान में जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर चंदेल जो शासक, इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। पूर्वी जो भारत है वहां पर पाल राजवंश थे, ठीक है। उसके बाद चौहान, जिनको हम आज हम चौहान के नाम से जानते हैं, तो दिल्ली के जो आसपास का क्षेत्र था, तो यहाँ पर जो है चौहान राजवंश थे। इन्होंने इंद्रप्रस्थ जो है इसको अपनी राजधानी बनाया था, इंद्रप्रस्थ वही दिल्ली। उसके बाद कन्नौज, देखिए ये रहा कन्नौज। तो कन्नौज को लेकर तो हम देखते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष, जो आप लोगों ने सुना भी है, त्रिपक्षीय संघर्ष जो होता है कन्नौज, उस वक्त जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो स्थान माना जाता था, इसको जो हर कोई जीतना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पर मैप में जो है वो थोड़ा बहुत आप जो है अपने माइंड में ये चीज रखिए, कौन सा राजवंश जो है वो कहाँ पर था। कई बार जो है क्वेश्चन जो है ये भी आ जाता है कि ये राजवंश जो है वो पूर्वी भारत में था, दक्षिण में था, किस नदी के जो है ऊपर था, ठीक है, या उस राजवंश के जो है पास में कौन सी नदी जो है वो बहती थी। तो जैसे ही मैप आप देखोगे तो आपको ये चीज याद आ जाएगी। जैसे कि आप चंबल नदी देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार शासक जो थे इसके आसपास आकर बसे हैं, ठीक है। वहीं पर जो है वो नर्मदा है, ताप्ती नदी है, गोदावरी के दक्षिण में राष्ट्रकूट थे, ठीक है। उसके बाद कृष्णा नदी है, तुंगभद्रा नदी है, तो उसके दक्षिण में देखिए चोल है, चेर है, कावेरी नदी के दक्षिण में जो है पांडे हैं। तो ये चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, एग्जाम में आ जाती हैं। यहां पर थोड़ा शॉर्ट में ही जो है दिया जाएगा क्योंकि सेवंथ क्लास है। नए राजवंशों का उदय। सातवीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। अब राजा के अंडर में थे ये सामंत, राजा की सहायता करते थे, लेकिन क्या हुआ कि सामंत जो धीरे धीरे शक्तिशाली हो गए, इन्होंने भी जो अपना स्वतंत्र जो राज्य है वह स्थापित करने की सोची। तो इस वजह से जो है युद्ध तो होना संभव ही है। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं और उनके दरबार में हाजिरी लगाएं, उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। ये लाइन जो है वह एग्जाम में आ चुकी है कि जो सामंत थे, जब अधिक उनको सत्ता प्राप्त हो जाती थी, अधिक संपदा हासिल हो जाती थी, तो वो अपने आप को किन नामों से संबोधित करते थे, तो वह महासामंत, महामंडलेश्वर के नाम से संबोधित करते थे, और पूरे मंडल का महान स्वामी इसका अर्थ होता है। कभी कभी वे अपने स्वामी के अधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे कि अब तो हम जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं, अब जो है हम अपना खुद का जो है अस्तित्व रखेंगे और स्वतंत्र होंगे। इस तरह का एक उदाहरण जो है वो दक्कन में राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट कहाँ थे, दक्कन में। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे, यानी कि चालुक्य जो थे इन राजाओं के अधीन, यानी इनके जो सामंत थे वो कौन थे, राष्ट्रकूट थे,
ठीक है। तो एग्जाम में ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है कि राष्ट्रकूट जो शासक थे वह किसके सामंत हुआ करते थे, चालुक्य राजाओं के। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान है जो सामंत है दंती दुर्ग, अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इसने इनकार कर दिया कि हम जो है अब आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। राजा को हरा देता है और हिरण्य गर्भ शाब्दिक अर्थ इसका है सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान जो है वह करता है। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्म ना क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा, यानी अब यह जो है क्षत्रिय कहलाएगा। ठीक है, तो आपको जो है ये जो हाईलाइट हुई है लाइनें ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दक्कन में राष्ट्रकूट थे और इन्होंने कर्नाटक के चालुक्य राजाओं को हराया। चालुक्य राजाओं के ये पहले सामंत हुआ करते थे। सबसे पहले राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने हिरण्य गर्भ नामक एक अनुष्ठान करवाया था और अब जो है वह क्या कहलाया गया, क्षत्रिय कहलाया। तो ये जो बॉक्स है इसमें आप देख सकते हो एलोरा की गुफा 15 को दिखाया गया है। ठीक है, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये कौन सी गुफा है, एलोरा की गुफा नंबर 15। ठीक है, अब इसमें जो है वो आपको ध्यान रखने वाली क्या बात है कि ये जो गुफाएं हैं इनका निर्माण जो है किन शासकों के द्वारा करवाया गया, तो आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया। ठीक है, और किस भगवान से संबंधित है, तो विष्णु भगवान से संबंधित है। तो इसमें जो है विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है और यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, एलोरा की गुफा 15 का निर्माण किन शासकों के द्वारा हुआ, राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया। तो ये हमने राष्ट्रकूट शासक के बारे में पढ़ लिया, दक्कन में जो है इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित तो किया था। ठीक है, सबसे पहले जो है वो दंती दुर्ग ने हिरण्य गर्भ दान जो है अनुष्ठान जो है करवाया और उसने अपने आप को स्वतंत्र राज्य जो है बनाया, स्वतंत्र घोषित किया चालुक्य शासकों से। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया, मिसाल के तौर पर जो है कदंब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद। पहले क्या थे, ये ब्राह्मण थे। ठीक है, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को यानी कि ब्राह्मण थे इसको छोड़कर इन्होंने शस्त्र अपना लिया और कहां आकर बस गए, कर्नाटक और राजस्थान में। तो हमने मैप में देख लिया था कि कर्नाटक और राजस्थान जो है यहां पर आकर जो है ये बस जाते हैं गुर्जर प्रतिहार शासक। प्रारंभ में ब्राह्मण थे और बाद में जो है इन्होंने क्षत्रिय धर्म को अपनाया। राज्यों में प्रशासन, इन राज्यों में प्रशासन कैसे काम करता था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता था, तो इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज राजाओं के राजा त्रिभुवन चक्रवर्तिन तीन भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण कर रखी थी। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था कि जो शक्तिशाली जो सामंत होते थे वो अपने आप को क्या कहते थे, महासामंत या महामंडलेश्वर, ये आप ध्यान में रखेंगे। और महाराजा धीराज या त्रिभुवन चक्रवर्तिन तीन भुवनों का स्वामी, इसका अर्थ ये है। ठीक है, तो राजाओं ने ये उपाधि धारण कर रखी थी, लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान व्यापारी ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों पशुपालकों कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। तो कैसे इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता था, प्रशासन कैसे चलता था, ये क्या करते थे, जो संसाधन थे वह किसानों से पशुपालकों से कारीगरों से ठीक है उत्पादकों से जो है इकट्ठा करते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा जो है वो कहते थे कि इनको देना पड़ेगा। कभी कभी इस हिस्से को जो है वो लगान जिसको कर कहते हैं मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। तो ऐसे जो है ये लोग अपना प्रशासन चलाते थे। 400 कर, अब ये क्या है 400 कर, चलिए यहां पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ हाईलाइट हो चुकी है पहले से ही लाइनें। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश हमने मैप में देखा था, चोल वंश कहां पर था, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। इसके अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित जो शब्द है किसके लिए, कर के लिए। तो कर की किस्म है जिसका नाम है वेट्टी, यानी कि जो कर जो है जबरन लिया जाए, जबरदस्ती लिया जाए, ठीक है देना ही पड़ेगा, तो उसको कहा गया वेट्टी। कदमाई जो है मकान पर छाजन, जो देखते हैं हम घास फूस का जो बना होता है
गांव में, तो छाजन कहलाता है। तो छाजन डालने पर लगने वाला कर, यानी कोई अगर अपना जो है घर बनाएगा और वो छाजन भी डालेगा तो उसको भी उसका कर देना पड़ेगा। ताड़ के पेड़ पर अगर चढ़ना है तो चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल पर लगने वाला कर। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी अगर हासिल करने के लिए हासिल किया जाएगा तो उसको उस पर भी लगने वाला कर। यानी कि 400 से ज्यादा सूचक शब्द जो है वो करों के प्रकारों के बारे में बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ? चोल वंश में। तो चोल वंश में 400 से ज्यादा जो है वो कर चला करते थे। कहीं देखते हैं जबरन कर था, कहीं पर मकान पर छाजन डालने के लिए कर था, कहीं पर खजूर के पेड़ पर चढ़ना है या ताड़ के पेड़ पर चढ़ना है तो सीढ़ी इस्तेमाल करनी है तो वो कर है, ठीक है। पारिवारिक संपत्ति का अगर उत्तराधिकार जो है वो बनाया जाएगा तो उसके भी लगने वाला कर। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। तो जो है वित्तीय यानी कि फाइनेंस, धन इकट्ठा होता था राजा को इससे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी, प्राय वंशानुगत होती थी। यानी कि उसका पिता जो है इस चीज को वसूल रहा है तो उसके बाद जो है उसका बेटा भी वसूलेगा, ऐसे ये परंपरा जो है वो चलती जाएगी राजस्व वसूली की। सेना में भी ऐसा ही होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशस्तियां यानी प्रशंसा और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे व्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि राजा की प्रशंसा में जो प्रशस्तियां लिखी गई हैं वो जरूरी नहीं है पूरी तरीके से सच हो, क्योंकि उनका जो दरबारी होता था, कवि जो होता था, वह उनकी प्रशंसा में बढ़ चढ़कर लिखता था, चाहे राजा ऐसा ना भी हो। तो जरूरी नहीं था कि जो भी शब्द हैं वो सत्य हो, लेकिन ये प्रशस्ति हमें ये बताती हैं कि शासक जो है वो खुद को कैसा दर्शाना चाहता था। मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में, ठीक है, ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। नागभट्ट की उपलब्धियां, तो यहां पर नागभट्ट के बारे में बताया गया है। नागभट्ट, कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया और आपने पिछले साल जो गुप्त शासक समुद्रगुप्त था, जिसने हरिषेण जो इनका दरबारी था, तो समुद्रगुप्त के लिए उसने इलाहाबाद प्रशस्ति में इनकी प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा था, ठीक है। और समुद्रगुप्त जो है वो वीणा वादक था, हमने देखा सिक्कों पर भी उसने अपने जो है वीणा बजाते हुए खुद को भी दर्शाने की कोशिश की है। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में जो है वो आपने पढ़ा। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति, ये प्रशस्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं ये संस्कृत में है और कहां पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पाई गई। ये है नागभट्ट की, जो कि है प्रतिहार नरेश। तो इनके कामों का वर्णन किया गया है। तो कामों का वर्णन क्या, इसने कहां से लेकर कहां तक जो है वो अपनी सत्ता स्थापित की। तो आंध्र है, सिंध यानी सैंधव है, विदर्भ देश जो है महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, कलिंग जो उड़ीसा का एक हिस्सा है, इसके राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक जो है वो चक्र युद्ध को विजित किया। उन्होंने बंगाल का एक हिस्सा है बंग, गुजरात का हिस्सा है अनर्थ और मालवा, मध्य प्रदेश का हिस्सा किरात वनवासी, तुरस्क तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य हैं, इन राजाओं को भी पराजित किया। तो ये इनकी प्रशस्ति में लिखा गया है कि कहां कहां इसने अपनी जो है विजय स्थापित की नागभट्ट ने, ठीक है। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। किस तरह के होते थे? तो ये इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये ताम्र पत्र है, यह थोड़ा संस्कृत में लिखा हुआ है और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ है। ताम्र पत्रों का एक संग्रह है जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों में से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मोहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक ऑथेंटिक जो है वो दस्तावेज है। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था? भूमि तो दी जाती थी, उसके साथ में क्या दिया जाता था? तो यह चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के लिए तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया। इस भूमि पर ये चीजें हैं, फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बॉबी,
चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। ठीक है, तो जो तमिल जो भाग है उसमें जो है अन्य चीजों के बारे में भी लिखा हुआ है। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है, वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है, पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला जो कर है वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है। ठीक है, और जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी जो है वो बर्बाद ना हो, तटबंधों का निर्माण हो। 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। तो कल्हड़ नामक जो रचनाकार है, इसने अपनी रचना में जो है किनके बारे में लिखा है, किनके इतिहास के बारे में लिखा है, तो यहाँ पर जो है जो कश्मीर में शासन करने वाले जो राजा हैं उनके बारे में लिखा। कल्हड़ ने अपना वृतांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्ष दर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए असाधारण ग्रंथ था। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था, वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो जो गुर्जर प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है और पालवंश, इन तीनों शासकों के नाम याद रखने, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालवंश, इनके जो शासक हैं इन्होंने सदियों तक कन्नौज के ऊपर जो है नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ाइयां की। क्योंकि इस लंबी लड़ाई में तीन पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। जैसा कि हम देखेंगे, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया, इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 5 में। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान, उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता। उसका निशाना जो था वह था गुजरात का सोमनाथ मंदिर। ठीक है, तो धन संपदा से परिपूर्ण था सोमनाथ मंदिर, तो यहां पर जो है वो आक्रमण कई बार उसके द्वारा किया गया। समुद्र के किनारे ही जो है वो देखते हैं गुजरात है, तो यहां से जो है वह सीधा आक्रमण भी करता था। तो सुल्तान शब्द का अर्थ होता है अरबी भाषा का शब्द है सुल्तान, और इसका मतलब होता है शासक। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण के रूप में खर्च हुआ। वह अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। तो ये जो विद्वान था अल बरूनी, इसने अरबी में जो है लिखी अपनी किताब किताब उल हिंद, इसमें जो है इसने इन शासकों के बारे में बताया। आज भी इतिहासकारों के लिए यह महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श लिया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चौहान भी थे जो बाद में चौहानों के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे, इसीलिए वे दिल्ली के चौहान कहलाए, अजमेर में रहे तो अजमेर के चौहान कहलाए। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहड़ वालों से टक्कर लेनी पड़ी। तो चौहानों का सामना किन शासकों से हुआ? चालुक्यों से और गहड़ वालों से। चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, और आप सभी जानते हैं मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय का युद्ध। 1168 से 1192 शासन काल रहा है इनका, और अफगानी शासक मोहम्मद गौरी को 1191 में हराता है इसे, जिसे तराइन का युद्ध कहते हैं। दूसरे साल जो है धोखे से 1192 में जो है पृथ्वीराज तृतीय को ये हराता है। तो कहते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय पहले युद्ध में जो है इसको जाने देते हैं, आसानी से इसकी सेना को इसका पीछा नहीं करते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। इसी का फायदा मोहम्मद गौरी जो है दूसरे युद्ध में उठाता है और
इनको पता भी नहीं लगता है और इनकी सेना पर हमला कर देता है, जिससे कि पृथ्वीराज तृतीय की हार हो जाती है। चोल राज्य नजदीक से एक नजर। अब आपको ध्यान में आया होगा कि चोल राज्य हमने कहां देखा था, तो यहां पर आप देखते हैं दक्षिण भारत में, यहां पर जो है चोल राज्य है, यहां पर हमने देखा था यहां चेर था, ठीक है, और यहां पर हमने देखा था पांडे राज्य। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम चोल शासकों के बारे में पढ़ेंगे कि चोल शासक जो थे वो कहां से कहां तक फैले हुए थे, कौन सी नदी वहां पर बहती थी, किसको हराकर उन्होंने जो है वो अपनी सत्ता स्थापित की। तब तक जो भी पढ़ाया है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको ध्यान में रखिए, क्योंकि जैसे ही बड़ी क्लासेस आएंगी तब आपको जो है कंफ्यूजन हो सकता है अगर आपने यहां पर अपने सारे डाउट क्लियर नहीं किए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।